तो अभी रेडी है हमारा बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनी जाने वाला एग जलफ्रेजी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हेलो एवरीवन, आल्फा किचन में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बॉयल्ड अंडों से हमें बनानी है, जिसका नाम एग जलफ्रेजी है। तो मैं आपके लिए आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ इसके। इसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे बॉयल्ड, जिनको हमने बॉयल करके इस तरह से कट लगा लिया, ये देखिए आप, ठीक है। ये मैंने 3 कैप्सिकम लिए हैं, एक ग्रीन, एक रेड और एक येलो। ये 3 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये 2 प्याज को मैंने कट कर दिया है जो कि स्क्वायर शेप में है, और 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और ये 1 चम्मच टोमेटो प्यूर, हरी मिर्च 4 लिए हैं मैंने, और ये हरा धनिया लिया है थोड़ा सा चॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल लेंगे और हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, जिसमें प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है। गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन, ज्यादा नहीं। अब हम इनको अलग निकाल देंगे। अब फिर पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, और हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। और आप लोग अगर चाहें तो फिर ग्रीन शिमला मिर्च ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप तीनों ही अलग अलग कलर के लिए। अगर आपके मार्केट में अवेलेबल हो तो आप तीनों कलर की ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च ही आप इसको रेडी कर सकते हैं। अब ये हो चुकी है हमारी, अब हम इनको निकाल लेंगे। आपके पैन में हमने फिर से थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और फिर ये अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा सॉटे होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, हम डालेंगे नमक, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, आप देखिए कलर भी अच्छे से छोड़ दिया और तेल भी अलग हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इन सबको हम थोड़ा सा पका देंगे मसाले के साथ। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जो अंडे हमने बॉईल करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। हम इसको पकने देंगे। अब ये 5 मिनट पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। दो मिनट और पकने देंगे हम इसको। अब 2 मिनट हो चुके हैं और अब ये रेडी हो चुका है।
तो हम गैस बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो अब ये रेडी है हमारा बहुत ही जल्दी और टेस्टी बन जाने वाला एग जलफ्रेजी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको इसकी रेसिपी और टेस्ट कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। और मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देख रहेंगे आपके लिए ईजीएस्ट रेसिपी, जो कि आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।